Hi all, this video is for standard 5th chapter 5. So hope you have already seen one video keeping our environment clean. तो first video में हमने बहुत सारी चीज़ों को cover किया था, हम उसको again repeat कर देते हैं, जिसमें कि important term है biodegradable and non-biodegradable. देखो कैसा होता है, हमारे household से बहुत सारे waste चीज़ें निकलती हैं, जैसे किचन से जो वेस्ट वाटर है वो निकलता है, टॉयलेट के वाटर होते हैं, साफ़ सफाई हम बर्तन साफ़ करते हैं, कपड़े साफ़ करते हैं, तो ये सारे जो डर्टी वाटर्स हैं वो भी निकलते हैं. उसके अंदर क्या होता है, सॉलिड वेस्ट भी होते हैं, लिक्विड वेस्ट होते हैं और भी अदर वेस्ट होते हैं. सॉलिड वेस्ट में जैसे हमने प्लास्टिक्स के बोतल होते हैं, प्लास्टिक्स की थैलियाँ होती है, ठीक है, कुछ सामान हम खरीद के लाते हैं उसके कवर्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं, खाने का सामान हम मंगाते हैं तो उसके ट्रे होते हैं, एल्युमिनियम फाइल होता है, इस तरीके से ये सब सॉलिड वेस्ट होते हैं. अब सॉलिड वेस्ट को आपने देखा होगा कि एवरी डे देर इज़ ए गार्बेज वैन यूज टू कम इन आवर सोसाइटी. तो उसका काम क्या होता है, वो हमारे सबसे कचरा कलेक्ट करते हैं वो लोग, ठीक है. आपने देखा होगा अभी आप हर सोसाइटीज़ में दिस इज़ प्रोवाइडेड बाई द स्टेट गवर्नमेंट और ये आता है कचरा के लिए. तो हमारा काम क्या होता है कि वी हैव टू गिव द वेस्ट मटेरियल टू देम, वाई थ्रोइंग इट टू अदर प्लेसेस वी हैव टू गिव देम. तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है और हम सराउंडिंग्स भी ये बता सकते हैं लोगों को. अब एक टर्म था लैंडफिल, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. देखो लैंडफिल इज़ ए वर्ड एंड वी आर यूजिंग फॉर वॉट, जैसे आपने देखा होगा कि कई जगहों पर ऐसे बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, ठीक है, मतलब वहाँ की मिट्टी हमने कहीं पर यूज़ कर लिया होता है, तो बहुत सारा गड्ढा होने से, प्लस क्या होता है, कोई ऐसा जगह होता है जो बिल्कुल नीचे होता है, जो लेयर होता है सरफेस का उससे नीचे होता है, तो उसके लिए क्या होता है कि देर इज़ ए प्रोसेस कॉल्ड लैंडफिल, यानी पूरे शहर का जो भी कचरा होता है, कचरा कौन सा, वो कचरा जो कि मिट्टी के अंदर मिल जाता है, द वेस्ट विच इज़ गोइंग टू बी मिक्स विद द सॉइल, उस टाइप के कचरों को लेके उस गड्ढे में डाला जाता है. तो उसको डालने से क्या होगा, वो लेयर बिल्कुल क्लियर हो जाता है, प्लेन हो जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लैंडफिल. अब इसका तो होता है रिडक्शन हाउस होल्ड वेस्ट. अब हम घर के हाउस होल्ड को हम वेस्ट को कम कैसे कर सकते हैं, अब जैसे फ्रूट्स हैं तो हम फ्रूट्स खाते हैं तो क्या होता है, बनाना है उसके छिलके होते हैं, आप पपैया खाते हो उसके छिलके होते हैं, तो ये सारे को हमको क्या करना पड़ता है कि वी हैव टू कीप, एंड जब गार्बेज की गाड़ी आती है तो उसमें हम उसको दे देते हैं. उसमें भी जो कचरा होता है दैट इज़ ऑन टू टाइप्स, वन इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड वन इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, दे आर नॉट गोइंग टू बी कम्पोज विथ सॉइल, ये मिट्टी के साथ मिक्स नहीं होते हैं. और जो कचरे बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो सॉइल के साथ बहुत आसानी से मिक्स हो जाते हैं. अब एक है प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग, हम खाने को ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं, हाउ वी कैन प्रिजर्व आवर फूड एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट आवर फूड, उसके बारे में समझते हैं. कुक फूड एंड अदर फूड आइटम, देखो कुक फूड में क्या होता है, जो खाना हम घर में बनाते हैं, और अदर फूड का मतलब क्या होता है, कुछ और भी खाने के सामान होते हैं, ऑफन स्पॉइल ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज मेथड. अब जैसे क्या है, घर में राइस और दाल बन गया, आप उसको बाहर ही रख दोगे तो क्या होगा, वो खाना ख़राब हो जाएगा बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग्स टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर हाई होता है तो क्या होता है, खाना ख़राब हो जाता है, इट स्टार्ट गेटिंग ए स्मेल आफ्टर 3-4 आवर्स और द टेस्ट यूज टू बी चेंज ऑल्सो, ठीक है. जैसे फ्रूट्स है आप बाहर रख देते हो तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर इट इज़ गोइंग टू बी स्पॉइल आफ्टर सम टाइम. तो इसको क्या करते हैं हम लोग, वी कैन प्रिवेंट फूड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम स्पॉइलिंग बाई स्टोरिंग देम इन द रेफ्रिजरेटर. उसको हम लोग क्या करते हैं, फ्रीज में रख देते हैं. तो फ्रीज में रखने से क्या होता है, वो खराब होने से बच जाता है. वाई दिस इज सेफ इन द फ्रीज, बिकॉज फ्रीज में क्या होता है कि टेम्परेचर्स कम होता है, कम टेम्परेचर में फूड खराब नहीं होते हैं. ग्रेन्स एंड पल्सेस विल नॉट स्पॉइल इफ स्टोर्ड इन ए राइट कंटेनर्स एंड केप्ट इन ड्राई प्लेसेस. बट क्या होता है, जैसे ग्रेन है, पल्सेस हैं, जैसे वीट है, ये सब चीज़ें खराब नहीं होती हैं, बट ऑब्वियसली है कि अगर उसको प्रॉपरली कंटेनर में नहीं रखा जाएगा तो वो भी ख़राब हो जाएगा. सच प्रैक्टिस विल रिड्यूस वेस्ट. सन ड्राइंग एंड रोस्टिंग सर्टेन फूड आइटम्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द टाइम फॉर विच दे कैन बी
स्टोर्ड। और एक अदर मेथड होता है कि अगर किसी चीज़ को आपको रखना है तो उसको हम रोस्ट कर देते हैं, तो रोस्टिंग करने से क्या होता है उसके ख़राब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और फूड आइटम्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द टाइम फॉर विच दे कैन बी स्टोर्ड, और उनको अच्छे से रखने से भी वो ख़राब नहीं होते। अब एक है मिनिमम यूज़, ऑल्दो वी कैन नॉट टोटली स्टॉप यूजिंग सम थिंग्स, कोई भी चीज़ है तो वो यूज़ करना तो बंद तो कर नहीं सकते। वी कैन रिड्यूस देयर यूज़, फॉर एग्जाम्पल बाई कैरिंग ए क्लॉथ बैग वाइल बाइंग वेजिटेबल्स एंड अदर फूड आइटम्स, वी कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग। अब जैसे देखो प्लास्टिक बैग है, दिस इज़ वेरी डेंजरस एंड इट बिकम्स ए बिग इशू फॉर आवर कंट्री। अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि दैट गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू बैन द प्लास्टिक बैग्स, पर फिर भी क्या है वो बैन नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ आवर फॉल्ट। हम लोग क्या है जब मार्केट जाते हैं तो वी नेवर कैरी द क्लॉथ बैग, अगर हम क्लॉथ के बैग कैरी करेंगे तो क्या होगा, जब सब्जी हम लेते हैं तो सब्जी वाले को हम बोल सकते हैं कि आप प्लास्टिक बैग में हमको वेजिटेबल मत दो, वी कैन टेक द वेजिटेबल्स इन आवर बैग। तो वी कैन रिड्यूस द यूजेज ऑफ प्लास्टिक्स, ठीक है। हाउस होल्ड वेस्ट कंटेन थिंग्स दैट वी कैन बी रिस्क, फॉर एग्जाम्पल मेटल टीन, प्लास्टिक कंटेनर एंड ग्लास बोटल कैन बी रीयूज टू स्टोर थिंग्स। अब जैसे ग्लास बोटल्स है, प्लास्टिक्स ये प्लास्टिक्स के कंटेनर हैं, तो हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे ग्लास बोटल है तो घर में कुछ मसाला रखना हो या कोई रखना हो, आपने जनरली देखा होगा इट इज़ बीइंग यूज्ड बाई ऑल। तो इससे क्या होता है कि हमारा वेस्ट मटेरियल कम निकलेगा, कम वेस्ट होगा, और वेस्ट अगर मटेरियल कम होगा तो वी कैन कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन। कलेक्शन ऑफ रिसाइकलेबल मटेरियल, सर्टेन वेस्ट सच एज डिस्कार्टेड मेटल, प्लास्टिक्स, पेपर एंड ग्लास कैन बी यूज टू मेक न्यू थिंग्स, ठीक है। ऑल सच मटेरियल्स आर कॉल्ड रिसाइकलेबल वेस्ट और रिसाइकलेबल मटेरियल। अब देखो क्या होता है ना, कलेक्शन ऑफ रिसाइकलेबल मटेरियल का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको रिसाइकल यानी उनसे हम फिर दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे देखो क्या होता है ना कि प्लास्टिक है तो प्लास्टिक्स को आप रीयूज़ कर सकते हो, उसको जब आप भेजोगे तो फैक्ट्री में जाके क्या होता है वो रिसाइकल हो जाता है, उसको मेल्ट करके फिर से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिसाइकेबल, ठीक है, रिसाइकल। और जो प्रोडक्ट ये हो सकता है उसको हम बोलते हैं रिसाइकलेबल प्रोडक्ट या मटेरियल। इंस्टीड ऑफ थ्रोइंग अवे सच वेस्ट वी शुड कलेक्ट एंड सेल देम टू वेंडर्स हु परचेज सच वेस्ट ऑफ रिसाइकलिंग इन फैक्ट्री। कलेक्शन ऑफ रिसाइकलेबल मटेरियल हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पोल्यूशन। अभी वो कई बार क्या होता है ना कि हम लोग जो प्लास्टिक्स की चीज़ें हैं उसको घर में आप कलेक्ट कर सकते हो, जैसे आप टूथपेस्ट यूज़ करते हो तो उसके जो ऊपर के होते हैं वो, जैसे आप कोई भी चीज़ प्लास्टिक्स के यूज़ करते हो तो उसको आप एक जगह इकट्ठा करोगे तो उसके क्या है प्रॉपर वेंडर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्क्रैप डीलर। जैसे वेस्ट पेपर होता है, जैसे आपके आपके बुक्स होते हैं, बुक्स नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक होता है जो रफ यूज़ करते हो आप, तो आफ्टर ए सर्टेन टाइम इट गेट वेस्ट। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं स्क्रैप डीलर को हम लोग सेल कर देते हैं, और विच इज़ गुड फॉर अस, बिकॉज वैसे आप कचरा में फेंकोगे, गार्बेज वाले को दे दोगे या कहीं और फेंक दोगे, तो विच इज़ नॉट सॉल्व द पर्पज़ ऑफ पॉल्यूशन। तो अगर पॉल्यूशन से हमको बचना है तो हमारे घर में जो भी वेस्ट चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को अगर हम प्रॉपर तरीके से रिसाइकल करेंगे, प्रॉपर तरीके से उसको हम वेंडर के यहाँ पहुँचाएँगे, तो ये जो हमारा प्रॉब्लम्स होता है पॉल्यूशन का उससे हम कम हो जाएगा। अब सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, अब क्या होता है कि सॉलिड के जो चीज़ें होती हैं उनको हम डिस्पोजल कैसे करते हैं, तो वेस्ट शुड बी डिस्पोज ऑफ इन ए प्रॉपर मैनर एंड इन ए प्रॉपर प्लेस। इनको कभी भी हमको अगर डिस्पोजल करना होता है तो प्रॉपर मैनर से करना है और प्रॉपर प्लेस पे करना है। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल विल मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। वेस्ट फ्रॉम आवर होम्स इज यूजुअली कलेक्टेड बाय आवर लोकल सिविक अथॉरिटीज थ्रू रेगुलर वेस्ट कलेक्शन। मेकिंग यूज ऑफ वेस्ट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। द हाउस होल्ड वेस्ट कैन बी प्रोसीड्स इन द फॉलोइंग वेज। अब देखो इसके कुछ तरीके बताए हुए हैं कि हम इसको कैसे प्रोसेस करेंगे। ऐसे लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ दे आर फोकसिंग ऑन दिस टू रिड्यूस द वेस्ट मटेरियल।
जैसे वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं और जो गार्बेजेस कैरी करते हैं वो भी आगे जाके उसको सॉर्टिंग करते हैं, और जो स्क्रैप डीलर हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। द स्क्रैप डीलर्स दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन और वेस्ट, सॉलिड वेस्ट। प्लास्टिक्स, पेपर, ग्लास एंड मेटल कैन बी सेपरेटेड एंड रिसाइकल टू मेक न्यू प्रोडक्ट। जैसे ग्लास है तो क्या है वो फिर से वो स्क्रैप डीलर लेकर के दे सेंड टू द फैक्ट्री एंड फैक्ट्री दे गो फॉर द रिसाइकलिंग। तो जैसे मेडिसिन के ग्लास बोटल हैं तो दिस दिस दे कैन नॉट बी रीयूज, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा किसी पेशेंट को पानी चढ़ाया जाता है तो दैट बोटल इट कैन नॉट बी रीयूज। तो ये सारे जो है ना इट इज़ बीइंग कलेक्टेड एंड गो टू द स्क्रैप वेंडर एंड इट इज़ बीइंग सेंड टू द फैक्ट्री अगेन, एंड द फैक्ट्री अगेन रिसाइकलिंग करके उसको फिर से प्लास्टिक की बोतल बना देती है। तो ऐसे रिसाइकलिंग के बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। व्हेन यू सी इन योर हाउस तो मेनली प्लास्टिक्स, पेपर एंड ग्लास, ठीक है, जिसमें कि प्लास्टिक्स को अगर आप वैसे फेंक दोगे तो थाउजेंड ऑफ थाउजेंड ईयर्स विल टेक टू डिकम्पोज इन वाटर, डिकम्पोज इन सॉइल। अब जैसे ग्लास है इट विल टेक 500 ईयर्स, मोर देन 500 ईयर्स टू डिकम्पोज इन सॉइल, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को क्या है रिसाइकल करके फिर से उससे चीज़ें बना सकते हैं। ड्राई वेस्ट विच कंटेन पेपर, टेक्सटाइल एंड वुड कैन बी यूज टू यूज एज फ्यूल टू ऑब्टेन एनर्जी, ठीक है। ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज एनिमल एंड प्लांट वेस्ट कैन बी यूज टू मेक कंपोस्ट। अब देखो क्या होता है, ऑर्गेनिक जो वेस्ट होते हैं जैसे आप देखोगे कि फ्रूट्स का एग्रीकल्चर है या वैसे भी जो नॉर्मल एग्रीकल्चर है उसके अंदर जैसे फ्रूट्स है तो फ्रूट्स पेड़ से गिर गया, कुछ सड़े हुए फ्रूट्स गिर गए, तो ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं वो क्या होता है वो सॉइल में इजिली डिकम्पोज होता है। जैसे इफ़ यू गो टू सी द लैंड जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है तो वहाँ पे फार्मर लोग क्या करते हैं जो भी एग्रीकल्चर का वेस्ट होता है उसको दे यूज़ टू कलेक्ट, और जो फार्म हाउस होता है उसके अंदर एक गड्ढा बना देते हैं, ठीक है, और उस गड्ढे में उसको डाल देते हैं, तो वो आफ्टर ए सम टाइम इट डिकम्पोज एंड मिक्स विद द सॉइल। तो एक तरीके से उससे हम फर्टिलाइजर्स का भी काम कर सकते हैं। द रिमेनिंग सॉलिड वेस्ट कैन बी यूज इन लैंडफिल, और बाकी जो कुछ बच गए उसे हम लैंडफिलिंग में यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द वेज टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड दीज आर द वेज टू रिड्यूस द वेस्ट। अब देखो हाउस होल्ड लिक्विड वेस्ट, अब हाउस होल्ड जो लिक्विड वेस्ट है इट इज़ नॉट गुड क्योंकि उसके अंदर केमिकलाइज होता है एंड इट इज़ हार्मफुल फॉर एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और एवरीवन। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि लॉट ऑफ बैक्टीरियाज, फंगस एंड वायरस यूज टू प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ लिक्विड हाउस होल्ड। अब देखो लिक्विड हाउस होल्ड्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं और कैसे होता है, लेट मी रीड। इंक्लूड्स वाटर यूज फॉर बाथिंग, जैसे बाथरूम में जाते हैं तो वी यूज सॉप, डिटर्जेंट्स, हाउस होल्ड क्लीनिंग एंड द इन द टॉयलेट। हाउस होल्ड लिक्विड्स वेस्ट इन रिमूव थ्रू ड्रेनेज और सेवेज पाइप। आपने आपको भी ध्यान से देखना, आपके घर में देर इज़ ए ड्रेनेज एंड पाइपलाइन यूज टू प्रिपेयर इन योर हाउस, जहाँ पे कि जितने भी कचरा है जैसे किचन का है पाइपलाइन, ठीक है, वहाँ से क्या होता है आपके जो वॉश बेसिन होती है वहाँ से, बाथरूम से, टॉयलेट से, ये सारे पाइप कनेक्टेड होते हैं एंड दिस ऑल हैज़ टू कनेक्टेड विद सेवेज पाइप, ठीक है। मोस्ट ऑफन द सेवेज पाइप ओपन इन टू योर वाटर बॉडी। इन मैनी सिटीज एंड टाउन द सेवेज इज टेकन टू सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड देन रिलीज। इन सम टाउन्स एंड सिटीज देर एन ओपन ड्रेनेज सिस्टम एंड ओपन ड्रेनेज सिस्टम इज ए हेल्थ हैजार्ड, इट इज़ ए ब्रीडिंग प्लेस फॉर मॉस्किटोज दैट कॉज डिजीजेज लाइक मलेरिया एंड डेंगू एंड फ्लाइज विच स्प्रेड डिजीजेज लाइक डिसेंट्री एंड कोलरा। द ओपन ड्रेनेज सिस्टम कैन कल्टिवेटेड ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज ड्यूरिंग मानसून। अब देखो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है हम लोग के लिए और गवर्नमेंट के लिए कि अगर हम वेस्ट लिक्विड, इट इज़ टू डेंजरस, सॉलिड वेस्ट इज ऑल्सो डेंजरस बट कंपेयर टू लिक्विड वेस्ट सॉलिड वेस्ट इज़ नॉट दैट मच हार्मफुल, ठीक है, क्योंकि उसका एक प्रॉपर वे बना हुआ है कि वो स्क्रैप डीलर के पास जाएगा एंड इट गोज बैक टू द फैक्ट्री। बट क्या होता है ना कि लिक्विड वेस्ट इट हैज़ टू गो विद द सर्वेज एंड पाइप एंड ड्रेनेज। अब उसमें क्या है किसी ने ड्रेनेज गलती से खोल दिया, ठीक है, या जब हैवी रेनफॉल होता है तो उस समय क्या होता है वाटर लॉगिंग स्टार्ट हो जाता है, तो उस समय क्या होता है वाटर इज़ टू बी फ्लश आउट ऑन द रोड, और फिर उससे क्या होता है कि उसके अंदर जितने भी वेस्ट होते हैं
दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ बीमारियां हैं, दीज आर डिजीजेज आर वेरी डेंजरस, जैसे कोलरा है, डिसेंट्री है. तो कोलरा में क्या होता है, कोलरा में देर विल बी ए लूज मोशन, डिहाइड्रेशंस, ठीक है, एंड दीज आर वेरी डेंजरस, इसमें लोगों की जान तक चली जा सकती है. सो वी हैव टू टेक केयर, अगर हमको कहीं पर लगता है कि द ड्रेनेज इज ओपन, वाटर लॉगिंग हो रही है, तो वी हैव टू इन्फॉर्म द लोकल अथॉरिटीज टू टेक केयर ऑन दिस. ठीक है, अब हम देखते हैं फार्म वेस्ट. अब देखो फार्म वेस्ट में क्या चीज़ें होती हैं वो हम देखते हैं कि फार्म वेस्ट के अंदर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ वाटर. ठीक है, इट इंक्लूड्स क्रॉप वेस्ट एंड एनिमल डंग. इफ फार्म वेस्ट इज नॉट डिकम्पोज प्रॉपरली इट मेक द सराउंडिंग्स अनक्लीन. अब फार्म वेस्ट में कैसा होता है कि अगर इसको प्रॉपरली प्रॉपर तरीके से अगर इसको नहीं केयर किया जाएगा तो इट हैज़ टू सेपरेट स्प्रेड लाइक एनीथिंग एंड इट विल बी मोर डेंजरस फॉर अस. तो हमको बहुत ध्यान देना होता है कि जो फार्म हाउस के जो वेस्ट हैं ये जो है वो इट इज़ नॉट टू बी स्प्रेड आउट और इट हैज़ टू बी प्लेस्ड इन ए प्रॉपर वेज. ठीक है, अब देखो कंपोजिंग एक प्रोसेस होता है. ठीक है, हम लोग अगेन अगले वीडियो में इसको डिटेल से देखेंगे कि कंपोजिंग पर मैं रीड करता हूँ. कंपोस्टिंग इज ए मेथड ऑफ रिसाइकलिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट. वेस्ट सच एज वीड्स, ग्रास, लीव्स एंड एनिमल डंग कैन बी यूज टू ऑब्टेन कंपोस्ट और मैन्योर. ए लेयर ऑफ सच वेस्ट इज बरीड इन ए डीप पिट. द लेयर इज देन कवर्ड विद ए लेयर ऑफ सॉइल एंड वाटर्ड. द प्रोसेस ऑफ लेयरिंग इज रिपीटेड अंटिल द पीट इज कम्प्लीटली फील्ड. द पीट इज द लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर ए कपल ऑफ मंथ्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल फीड ऑन द वेस्ट एंड कन्वर्ट इन टू कम्पोस्ट. अब देखो ये चीज़ आप लोग भी कर सकते हो अगर आपको छोटा सा गार्डन है. ठीक है, तो छोटा गार्डन है तो उसके लिए आपको फर्टिलाइजर्स बनाना होता है, तब फर्टिलाइजर्स आप भी बना सकते हो. इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, उस गार्डन के साइड में छोटा सा गड्ढा करना होता है और जो भी वेस्ट आपके गार्डन का है, लीफ है, कोई फ्लावर्स हैं, कोई भी फ्रूट्स हैं, वो सारे जब वेस्ट होते हैं तो उनको लेके उसके अंदर आप रख सकते हो. फिर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी आप डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो फोटोग्राफ्स बताया हुआ है, और उसको आप ऊपर से बंद कर दोगे. जब ऊपर से बंद कर दोगे उसको तो क्या होगा, आफ्टर ए सर्टेन टाइम सॉइल गेट मिक्स विथ दिस और वो बिल्कुल ही ब्लैकिश कलर का हो जाएगा और उसमें से बहुत बदबू टाइप की एक स्मेल भी आती है. लेकिन वो क्या है, दिस इज़ वेरी यूजफुल. अगर उसको हम पेड़ के रूट्स के पास रखते हैं तो सॉइल का जो फर्स्ट लेयर होता है दैट इज़ ह्यूमस, तो ह्यूमस की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, इट गेट मोर फर्टिलाइज. तो कंपोस्ट इज रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड इज देयरफॉर यूज ए मैन्योर. इट इज़ बेटर देन केमिकल फर्टिलाइजर्स बिकॉज केमिकल फर्टिलाइजर्स डैमेज द क्वालिटी ऑफ सॉइल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. तो इस तरीके से था ये चैप्टर. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर. चलो, थैंक यू.